नमस्कार, आरएम न्यूज में आपका स्वागत। मैं सुनीता, आप देख रहे हैं खबरें सुपर फास्ट। कैबिनेट की बैठक में भिड़े गहलोत के मंत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री शांति धारीवाल ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई, देख लेने तक की धमकी दी। राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम रद्द, गहलोत कैबिनेट की बैठक में हुआ अहम फैसला। दोनों कक्षाओं के 21.58 लाख से अधिक स्टूडेंट। 10 साल बाद राजस्थान में तपिश कम, पहले पश्चिमी विक्षोभ फिर तूफान ताउते के चलते हुई बारिश, अब नौतपा में कई इलाके तरबतर, इस बार समय से पहले आ सकता है मानसून। कोरोना से 2 पंचायतों में 2 महीने में हुई मौत के आंकड़े छिपाए, पाली में बताई 1 की मौत जबकि हुई 55 मौतें। लॉकडाउन खुला फिर भी 100 करोड़ का व्यापार प्रभावित, जयपुर के दुकानदारों ने कहा 5 घंटे दुकान खोलने से राहत नहीं, गिने चुने ही ग्राहक पहुंचे, पहले दिन खाली हाथ लौटे व्यापारी। 46 दिन बाद 5 घंटे के लिए जब खुली दुकानें तो 2 घंटे सफाई में और 2 घंटे ग्राहकों के इंतजार में बीते। जयपुर में टेनिस प्लेयर से रेप का मामला, कोच ने होटल में 2 दिन तक किया था 17 साल की खिलाड़ी से दुष्कर्म, 2 बच्चों का पिता है आरोपी, गिरफ्तारी के बाद स्पोर्ट्स काउंसलिंग ने सस्पेंड किया। दुष्कर्म के आरोपी ने शक में पत्नी और बेटे को मार डाला, पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया और 80 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, महिला की मौके पर मौत, 6 महीने के बच्चे ने भी दम तोड़ा। फोन टैपिंग विवाद पर दिल्ली में हलचल, सीएम गहलोत के ओएसडी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की FIR को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती, आज सुनवाई संभव, केस राजस्थान ट्रांसफर करने की मांग। भरतपुर में कार्रवाई के डर से शादी समारोह में मची भगदड़, पूर्व सरपंच के पोते की शादी में डीजे पर नाच रहे थे लोग, पुलिस का सायरन सुन भाग रहे 2 बच्चे कुएं में गिरे, हालत गंभीर। वैक्सीन बर्बादी के और कितने सबूत चाहिए, वैक्सीन फेंकी ही नहीं गई बल्कि जमीन में भी गाड़ दी गई। तपस्वी बाबा का काला चिट्ठा, जयपुर में आश्रम की महिलाएं यदि गर्भवती होती तो गोलियां खिलाकर एबॉर्शन करा देता। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस का पीएम पर निशाना, गहलोत बोले फ्री वैक्सीनेशन हर नागरिक का अधिकार, इससे वंचित करना सबसे बड़ा अन्याय, डोटासरा बोले राज्यों को अपने हाल पर छोड़ छिप कर बैठ गए मोदी। जोधपुर में बन रही वैक्सीन की सीरिंज और नीडल्स, वैक्सीनेशन के लिए 5.93 करोड़ नीडल सप्लाई कर चुके, 25 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग, फरीदाबाद और जोधपुर में ही बनती है। केंद्र और राज्य में फंसी दवा, 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 8 इंजेक्शन लगने थे पर 48 घंटे में एक भी नहीं मिला। अप्रैल और मई में सरकार ने 126 मौतें बताई जबकि इन 2 माह में 2446 मृत्यु प्रमाण पत्र बने। आयुर्वेद एलोपैथी की मेल का कमाल, बीकानेर में 3000 आबादी वाले कोलासर गांव में सिर्फ 30 लोग कोरोना संक्रमित हुए, दावा वैक्सीनेशन और काढ़े से ठीक भी हुए। 18+ वैक्सीनेशन के लिए संकट, जयपुर समेत 12 जिलों में चुनिंदा साइट्स पर ही वैक्सीनेशन, 45+ एज ग्रुप के लिए आई वैक्सीन से लगा रहे हैं डोज। आप पर पंजाब में विधायकों को उकसाने का आरोप है, ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी दावा है, इस पर हरीश चौधरी ने कहा मैं 7 साल पंजाब का इंचार्ज रहा इसलिए विधायकों से बात होती है पर मौजूदा घटनाक्रम पर कोई चर्चा नहीं हुई। दौसा में हादसे में बाइक सवार की मौत, बाइक को टक्कर मारकर अनियंत्रित कार शहीद स्मारक की दीवार से भिड़ी, महवा हिंडौन मार्ग पर हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। झुंझुनू सोलाना के अनिल ने फतह किया माउंट एवरेस्ट, बोले भारी बर्फबारी में वहां तिरंगा फहराना किसी सपने से कम नहीं। संयुक्त परिवार की ताकत, 93 साल की बुजुर्ग महिला ने जीती कोरोना से जंग, कहा परिवार का साथ हो तो सब कुछ मुमकिन, दवा समय पर लें और गाइडलाइन की करें पालना। बलराज हत्याकांड मामला, गिरफ्तार 2 आरोपियों का आज कोर्ट में किया जाना है पेश, जमीन कब्जा विवाद में घर में घुसकर की थी फायरिंग, 2 आरोपी अभी भी फरार। दागदार खाकी बजली सप्लायर को 1 किलो अफीम थमाई, धमकाया 6 लाख रुपए दो वरना फंसा देंगे, कुड़ी थाने के CI और 3 कांस्टेबल सस्पेंड। सांसद पर हमले के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट, मंत्री और विधायकों के गनर ड्यूटी पर वर्दी में ही रहेंगे, सांसद रंजिता का गनमैन सस्पेंड। जिला प्रशासन ने दिया जवाब, विधायक सिद्धि कुमारी का जिला प्रशासन को जवाब, गौशाला का पैसा कोविड में गया। कमर्शियल गैस के दाम 1 महीने में 168 रुपये घटे, अब कीमत 1518 रुपये, घरेलू में राहत नहीं, दाम 882 रुपये। ताउते तूफान से अलवर के सरिस्का में मरे पेड़ भी जिंदा, जून के महीने में यहाँ के पेड़ सूखने की जगह सावन जैसी हरियाली, एनीकट में पानी, जंगल में पूरी रौनक। भरतपुर में पेट्रोल खत्म हुआ तो महेश ने बीहड़ों में छोड़ी बाइक, पकड़े जाने के डर से मोबाइल फेंका और पैदल ही भागता रहा। भरतपुर में कोरोना काल में भी हुआ भ्रष्टाचार, 1 महीने के बाद ही उखड़ने लगी 60 लाख रुपए से बनी सड़क।
मुख्यमंत्री कल बाड़मेर को देंगे 17 करोड़ के कार्यों की सौगात। अगर बच्चों की तरफ कोविड लहर बढ़ी तो 130 आईसीयू बेड सहित 300 बेड की तैयारी हकीकत। वयस्कों के वेंटिलेटर ही बच्चों के वार्ड में लगाए जाएंगे। बीकानेर में कोई नई खरीद नहीं। अजमेर में ढाबे पर रात को फायरिंग, कार पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। वारदात के बाद आरोपी गजनी अपने साथियों के साथ फरार। गंभीर रूप से जख्मी युवक जेएलएन अस्पताल में भर्ती। बीकानेर में ब्लैक फंगस, जान बचाने के लिए 7 का ऑपरेशन, 2 मरीजों की आंख निकाली। 7 साल से धर्मशाला में ठहरे 95 के भीम सिंह को ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पास बुलाया। कोठी में रखा वजय चौधरी देवीलाल के खास सेवादार थे। बीकानेर में कृषि वेटनरी कॉलेजों का पद पैसा मंजूर। ईसीबी कार्मिकों का 3 माह से वेतन नहीं। बीकानेर में अब पेयजल संकट खत्म। आधी रात बाद बीचवाल पहुंचा पानी। आशोभासर जलाशय में आएगा पानी। बीमारी को कहें बाय बाय, उम्र बढ़ाएं। 100 साल के हजारी राम वन्य जीवों के साथ चलाते हैं रेस्क्यू सेंटर। अपने स्वस्थ जीवन का बताया राज, बोले योग और 29 नियमों की पालना से नहीं पड़ेगी कभी दवा की जरूरत। जयपुर में बच्चों के लिए 2% ही क्रिटिकल केयर के इंतजाम। जेके लोन में 30 ही बेड, अलग विंग नहीं। कोरोना के चलते ऑनलाइन पंडिताई का पैकेज फिक्स। 21,000 रुपये में शादी, 2100 रुपये में मुंडन, 31,000 रुपये में अंतिम संस्कार और 1,00,000 रुपये में करा सकते हैं जप और अनुष्ठान। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, तीसरी लहर में शिशुओं के उपचार के लिए 350 CHC को डेवलप कर रहे। जयपुर में 3 अस्पतालों में 1879 बेड में 1439 खाली। सख्त रहे तो 440 बेड पर भी कोरोना मरीज नहीं होंगे। कनेक्टिविटी टूटी, प्रदेश के किसी भी शहर के लिए जयपुर से कहीं भी फ्लाइट नहीं। पंजीयन मुद्राक शुल्क विभाग की आय पर भारी असर। लॉकडाउन से पहले पंजीयन मुद्राक शुल्क में रोज होती थी 250 रजिस्ट्री, अब मात्र 60 हो रही। राजस्थान के पहले DGP रघुनाथ सिंह कपूर का निधन। महल चौकसी के प्रत्यर्पण की उम्मीद बढ़ी। डोमिनिका की सरकार ने कहा, चौकसी को भारत भेजा जाएगा। हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई। इजराइल में सत्ता परिवर्तन, विपक्षी दलों के बीच गठबंधन पर सहमति। बेनेट होंगे अगले प्रधानमंत्री। 12 साल से सत्ता पर काबिज नेतन्याहू का शासन खत्म। कोरोना वेरिएंट पर राहत की खबर। WHO ने कहा, भारत में वायरस के डेल्टा वेरिएंट का एक स्ट्रेन ही चिंता के विषय, बाकी दोनों स्ट्रेन से खतरा कम। बीते दिनों में दुनिया में कोरोना के 4,79,000 नए केस आए, 10,952 की मौत। US इस हफ्ते अन्य देशों को 8 करोड़ वैक्सीन डोज देने के प्लान का ऐलान करेगा। PNB घोटाला, डोमिनिका कोर्ट में पुलिस ने कहा, चौकसी को अदालत के सामने पेश करें। मेहुल के वकील का दावा, प्रत्यर्पण कर नहीं होगा फैसला। साउथ चाइना सी में नया तनाव। मलेशिया के एयर स्पेस में कई घंटे तक चक्कर लगाते रहे चीन की एयरफोर्स के 16 जेट फाइटर। दक्षिणी चीन सागर में तनाव बढ़ा। न्यूयॉर्क में पहली बार रैंकिंग प्रणाली से मेयर चुनाव, वोटर रैंक देंगे, ज्यादा वोट पाने वाला प्रत्याशी विजेता। पाकिस्तान में मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी। इमरान सरकार या सेना के खिलाफ बोलने पर लगेगा 2.5 करोड़ का जुर्माना, 3 साल की सजा भी होगी। ब्रिक्स मीटिंग, भारत समेत 5 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। चीन ने कहा, मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ। सऊदी अरब में बड़े बदलाव, बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। 10 साल पहले ही पूरा हो गया टारगेट, महिलाओं ने डिजिटाइजेशन को क्रेडिट दिया। पिछले साल मार्च के बाद पहली बार ब्रिटेन में संक्रमण से कोई मौत नहीं। प्रदेश पर मंडरा रहा तीसरी लहर का खतरा। का सबसे बड़ा वॉरशिप आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूबा। इजराइल और ईरान में चल रहा गहरा तनाव। लाउडस्पीकर पर प्रार्थना या उपदेश प्रसारित करने पर पाबंदी। सऊदी अरब में मस्जिदों को लाउडस्पीकर धीमा करने के आदेश, 1/3 आवाज कम होगी। ओलंपिक से आस टूटी, विदेशी दर्शक बैन। जापानियों पर फैसला नहीं, 23,000 करोड़ दे चुकी कंपनियों ने रद्द की कैंपेन ऑफरिंग हटाई। अपर्याप्त और अच्छी नींद की कमी, महामारी और तनाव के कारण पर्याप्त नींद नहीं ले रहे तो ब्लड शुगर और चर्बी बढ़ने की आशंका, रोज 7 घंटे की नींद ले। टोक्यो में मैरिज हॉल बने विमान। जापानी एयरलाइंस एयरपोर्ट पर खड़े विमानों में करा रही शादी। 30 मेहमानों को अनुमति, खर्च 10,00,000 रुपये। इजराइल ने हासिल किया हर्ड इम्यूनिटी। इजराइल में 80% वयस्कों को टीका, अब 14 से 15 साल के बच्चों को भी लगेगी वैक्सीन। चीन में मिले H10N3 बर्ड फ्लू के इंसानों में फैलने का जोखिम कम। चीन में अब नए वायरस का खतरा, इंसान में मिला बर्ड फ्लू का H10N3 वेरिएंट, रूस के बाद दुनिया का दूसरा केस, पिछले वायरस से ज्यादा घातक। शेयर मार्केट हफ्ते के चौथे दिन सेंसेक्स 272 और निफ्टी 79 अंक ऊपर खुला। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में 10% का उछाल।
महामारी में खूब हो रही कमाई, कोविड 19 की वैक्सीन बेचने वाले 9 बिजनेसमैन बने अरबपति, इनकी कुल संपत्ति से गरीब देशों की पूरी आबादी का हो जाएगा वैक्सीनेशन। नई व्यवस्था, दिल्ली में मकान मालिक 2 महीने से ज्यादा का एडवांस किराया नहीं ले सकेंगे, मॉडल किराएदारी अधिनियम को केंद्र की मंजूरी। नई दिल्ली में इको फ्रेंडली फ्यूल, अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेचना चाहती है सरकार, इससे कम होगा प्रदूषण। चौथी तिमाही में मल्टीप्लेक्स कंपनियों को घाटा, पीवीआर को जनवरी मार्च के दौरान 279 करोड़ रुपए का घाटा, रेवेन्यू पिछले साल से 60% कम, फूड और बेवरेज सेगमेंट बुरी तरह प्रभावित। पर्सनल स्पेस की जरूरत, जनवरी से मार्च के बीच बड़े मकानों की बिक्री बढ़ी, वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने बढ़ाई ज्यादा स्पेस की मांग। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक शुरू, 4 जून को दरों में बदलाव होने की उम्मीद कम, जस का तस रह सकता है रेपो रेट। मई में व्यापार का डेटा, भारत ने 32.21 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 6.32 अरब डॉलर हुआ। 2025 तक अर्थव्यवस्था की तस्वीर, 5 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी का लक्ष्य है असंभव, 4 सालों में 22% की दर से ग्रोथ की जरूरत। रिकवर होने के 3 महीने बाद भी परेशान कर रहा है कोविड 19। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट पर मंथन, सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट पैटर्न में एक्सपर्ट ने बताई खामियां, कहा 12वीं बोर्ड में इसे लागू किया जाना संभव नहीं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,33,000 नए केस आए, 2,897 की मौत, 2,11,000 ठीक हुए, 5 राज्यों में अब भी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। इसराइल में सत्ता परिवर्तन, विपक्षी दलों के बीच गठबंधन पर सहमति, बेनेट होंगे अगले प्रधानमंत्री। सोशल मीडिया पर तैनात हुए ग्रीवांस ऑफिसर, यूजर के कहने पर व्हाट्सएप फेसबुक को हटाना पड़ेगा आपत्तिजनक कंटेंट या पोस्ट, जानिए कैसे करेंगे शिकायत। ममता की घेराबंदी के लिए एमपी में मंथन, बंगाल में 15 जून के बाद बड़े प्रदर्शन की तैयारी में जुटे नेता, विजय वर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा की बंद कमरों में चर्चा तेज। 1 जून से कई राज्यों ने दी लॉकडाउन में ढील, तो कई में अभी भी सख्ती। बिहार में महामारी से मौतों का सच, सरकार ने पटना में मई में कोरोना से 446 मौतें बताई, लेकिन 3 शमशानों में ही 1,648 अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल से हुए। हरियाणा का यह रिसर्च स्कॉलर गाय के गोबर से बनाता है सीमेंट और ईंट, सालाना टर्नओवर 50 लाख, सैकड़ों किसानों को भी रोजगार से जोड़ा। वैक्सीनेशन पॉलिसी पर केंद्र को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 18 से 44 साल के लोगों का पेड वैक्सीनेशन मनमाना और तर्कहीन फैसला। पुलवामा में आतंकी हमला, 3 आतंकियों ने भाजपा नेता राकेश पंडित को गोली मारी, अस्पताल में मौत, बिना सुरक्षा के दोस्त से मिलने जा रहे थे, 1 महिला भी घायल। हाईकोर्ट की सुनवाई में गूंजी फिल्मी तराने, जूही चावला ने 5G पर सुनवाई का वीडियो लिंक शेयर किया तो एक आदमी ने उनकी फिल्मों के गाने गाए, नाराज कोर्ट ने नोटिस भेजने को कहा। उत्तराखंड में धरती पर स्वर्ग, 1 लाख फूलों से गुलजार मुंशियाई गार्डन, 30 एकड़ बंजर जमीन में तैयार किया, लोग पहले इस जगह पर जानवरों को दफनाते थे। राहुल की अब ट्विटर राजनीति, राहुल गांधी ने कई कांग्रेस नेताओं, करीबी और पत्रकारों को अनफॉलो किया, पार्टी में युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच जंग है। यूपी की गोंडा में बड़ा हादसा, सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद ढही 2 मकान, 4 बच्चों समेत 8 की मौत, 6 गंभीर घायल, लखनऊ रेफर। नई दिल्ली में देश की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, खुफिया सुरक्षा एजेंसी से रिटायर अधिकारी, विभाग या अन्य अधिकारी से जुड़ी बातें सार्वजनिक नहीं कर सकता। मॉडर्ना और फाइजर के लिए ग्रीन कॉरिडोर, केंद्र ने कहा अगर वैक्सीन को बड़े देशों और WHO से अप्रूवल है तो हम कंपनियों की शर्तें मानने को तैयार। IT नियमों पर गूगल की दलील, दिल्ली हाईकोर्ट से गूगल ने कहा नए IT रूल्स हम पर लागू न किए जाएं क्योंकि हम सर्च इंजन है, सोशल मीडिया नहीं। वैक्सीनेशन पर कटघरे में दिल्ली सरकार, कोर्ट ने पूछा कोवैक्सीन की सेकेंड डोज जब उपलब्ध ही नहीं थी तो वैक्सीनेशन सेंटर जोर शोर से क्यों खोले। अब तक 5 राज्यों में 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द, हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान में नहीं होंगे एग्जाम, उत्तर प्रदेश समेत 23 राज्यों में फैसला जल्द। विश्व साइकिल दिवस, देश के 41 शहरों में साइकिल फ्रेंडली पहल, साइकिल चलाने से अर्थव्यवस्था को 1,08,000 करोड़ का फायदा, इंडिया साइकिल फॉर चेंज अभियान तेज। अलीगढ़ में हिंदुओं के पलायन पर सियासत तेज, AIMIM नेता ने कहा नमाज होगी, हिंदुओं को बारात नहीं चढ़ने देंगे, बीजेपी नेता ने नमाज बंद करने को कहा। महाराष्ट्र में कोरोना का पहला ऐसा मामला, पालघर में जन्म के 15 घंटे बाद ही नवजात हुआ पॉजिटिव, न तो मां संक्रमित, न ही उसमें कोई लक्षण था। बिहार में सियासी तूफान के संकेत, मांझी सैनी के 6 बयानों से नीतीश की चिंता बढ़ाई, अगर दोनों का मन बदला तो बड़ा उलटफेर संभव, सत्ता में आ सकती है RJD।